चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि जी डॉक्टर लाल सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया वो आए और कॉन्सेप्ट के लिए डॉक्टर लाल सिंह जी प्लीज। अच्छा सभी श्रवण संघ के साथियों को जय भीम नमो बुधाए। ये हाँ बहुत खुशी होती है सभी साथियों को यहाँ पर मुस्कुराते हुए और धर्म की बात करते हुए सुनते हुए श्रवण संस्कृति की जानकारी लेते हुए कितना बड़ा इतिहास है हमारा, कितनी बड़ी संस्कृति है। भारत में दो ही संस्कृतियां थी, ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति। तो श्रवण संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में फैली। भारत में तो मुख्य संस्कृति थी, भारत से फिर वो एशिया की मुख्य संस्कृति बनी और फिर विश्व की संस्कृति बनी। और एशिया में भी संस्कृति कौन लेके गए? ऐसे भिक्षु लेके गए जिनके पैरों में जूतियां नहीं थी, जिनके सर पे बाल नहीं थे, जिनकी जेब खाली थी, पैसा भी नहीं था, लेकिन दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ विचार था, जिस विचार ने उनको शक्ति दी। और वो हमारी श्रवण संस्कृति भारत से पूरे एशिया में फैली। और एशिया में पहला कोई विश्व धर्म बना तो वो फिर बौद्ध धर्म बना, इन भिक्षुओं की ताकत से जिनके हाथ में जेब में ना पैसा था, सर पे ना बाल थे, जेब में ना पैसा था और धन के वस्त्र भी पूरे नहीं थे, पैरों में चप्पल भी नहीं। आवाज नहीं आ रही है जी। उनका त्याग, उन भिक्षुओं का आ रही आ रही। तो भारत से वो संस्कृति श्रवण संस्कृति पैदा हुई। और जो ब्राह्मण संस्कृति, दो ही संस्कृतियां रही हैं पूरा इतिहास जो भी है भारत ब्राह्मण। किसी का माइक खुला तो बंद रखो। योगेंद्र सर माइक बंद कर दिए सभी एक बार दोबारा, फिर डॉक्टर लाल सिंह का खोल देना। कर दिया मैंने, कर दिया। एडमिन सर आप सबका माइक म्यूट कर सकते हैं। एडमिन सर आप कृपया सर आप बीच में मत बोले कोई भी। डॉक्टर लाल सिंह जी माइक, लाल सिंह जी अपना माइक म्यूट करके बात कर सकता है सबके माइक। अरे जी भैया बार बार खोल लेते हैं। अभी आवाज ठीक है? जी जी बोलिए प्लीज। जी 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 तो हम ब्राह्मण और श्रवण संस्कृति का ही इतिहास है भारत का, जितना भी इतिहास है, जो भी संघर्ष हुआ है, जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं वो ब्राह्मण और श्रवण संस्कृति के इतिहास के ऊपर ही आधारित है। तो ब्राह्मण संस्कृति असमानता पर आधारित थी, जन्म जात पर आधारित थी, और श्रवण संस्कृति केवल ज्ञान के ऊपर आधारित थी, विद्वता के ऊपर आधारित थी। और उन्होंने कोई ये पहली संस्कृति थी जो भारत से बाहर निकली और बाहर निकलकर पूरे एशिया में फैली। और पहला कोई धर्म बौद्ध धर्म था जो एशिया में पहला फैला, और ये पहला धर्म बना जो विश्व धर्म बना। उससे पहले कोई विश्व धर्म नहीं था, जितने भी धर्म उस समय थे उस काल में वो केवल क्षेत्रीय धर्म थे, अंतरराष्ट्रीय कोई नहीं बना था। अंतरराष्ट्रीय धर्म पहला बौद्ध धर्म, और वो भी उन भिक्षुओं के द्वारा जो भिक्षु
जिनमें त्याग था, समर्पण था, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध के ज्ञान की ताकत थी जिनमें, नाम जिनके पास ना धन था, ना उनके पास बल था, ना कोई हथियार था, ना कोई धन था, ना सर पे बाल थे, ना पैरों में जूती थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, उनमें समानता को स्थापित करने की ताकत थी, उनमें मानव मूल्यों को स्थापित करने की ताकत थी। वो उस ज्ञान को लेकर पूरे एशिया में पहुंचे और पहला धर्म, विश्व धर्म जो बना वो बौद्ध धर्म उनकी ताकत से बना, और उन्होंने श्रमण संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को ना केवल जिंदा रखा बल्कि फैलाया, और आज भी वो विश्व को अपना मार्गदर्शन दे रही है जो समानता की बात करता है, जो मनुष्य को मनुष्य से प्यार करने की बात करता है, जिसमें भगवान को माना जाता है। जो ब्राह्मण संस्कृति है उसमें ईश्वर को माना जाता है, और जो श्रमण संस्कृति में भगवान को माना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों एक ही बात है, एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग समय पे कॉन्सेप्ट बने हैं। भगवान की एक परिभाषा है, जो माता पिता से उत्पन्न मनुष्य तप करके, तपस्या करने के बाद राग द्वेष और मोह इससे मुक्त होकर मानव की सेवा करता है, उस मनुष्य को भगवान की उपाधि दी जाती है। भगवान माँ बाप से पैदा हुए मनुष्य हुए हैं जिन्होंने तप करके और राग द्वेष मोह से मुक्ति पाई है। ईश्वर का नहीं पता हमें किससे पैदा हुए हैं वो या कैसे हुए हैं। तो ये हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए कि यहाँ भगवान होता है और यहाँ समानता पर आधारित होती है श्रमण संस्कृति, जहाँ सबको आर्थिक समानता का यहाँ अधिकार होता है। कोई भी अपनी मेहनत से, समझ से अपना कोई भी कार्य कर सकता है और कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति में इस तरह का अधिकार भी हमें नहीं था। यहाँ शिक्षा का अधिकार हमें रहा, सभी को श्रमण संस्कृति में कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसलिए हम प्राचीन इतिहास भारत का शिक्षा का देखते हैं तो केवल श्रमण लोगों ने ही, यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटियां, प्राचीन यूनिवर्सिटियां भारत में हैं, वो केवल श्रमण की लोगों की यूनिवर्सिटियां हैं। प्राचीन काल की कोई ब्राह्मण काल की यूनिवर्सिटी नहीं है भारत में, एक पूरा एशिया में आप देखिए तो केवल श्रमणों ने, जो क्योंकि वो शिक्षा को महत्व देते थे और शिक्षा भी सबके लिए शिक्षा, और वो भी समान शिक्षा, इसलिए जितनी भी भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां प्राचीन काल की हैं वो सारी श्रमण संस्कृति पर आधारित यूनिवर्सिटियां रही हैं। इसलिए लोग भारत, विदेश से, दुनिया से लोग जो भारत में शिक्षा लेने आते थे, श्रमण संस्कृति पर आधारित शिक्षा को भारत से लेके गए हैं, और तब वो शिक्षा भारत से विश्व में फैली है। इसलिए भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरु रहा है और समानता की शिक्षा देने में भी जो विश्व का गुरु रहा है, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों को यहाँ खत्म करवाया गया, और खत्म किसी ने किया, नाम किसी का लगाया, लेकिन यूनिवर्सिटियां जो बनाई वो श्रमण लोगों ने भारत में बनाई, और उन्होंने फिर ना केवल भारत के लोगों को बल्कि पूरे एशिया को ज्ञान दिया, और दुनिया के लोग भारत में जब भी आते थे तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं में ज्ञान लिया। वो ज्ञान आज भी हमारा सुरक्षित है, उसी ज्ञान ने विश्व का मार्गदर्शन किया। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में श्रमण संस्कृति का जो बहुत बड़ा ऊंचा साहित्य है, बहुत बड़ा सम्मान भारत को मिला है, तो वो श्रमण संस्कृति की यूनिवर्सिटियां हैं। उन यूनिवर्सिटियों में उस समय पूरे एशिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, और सभी विषयों में बहुत ऊंचे ज्ञान का केंद्र भारत रहा है। और जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आप जानते ही हैं,
तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने बड़े बड़े चीन के लोग भी आते थे, तिब्बत के लोग भी आते थे, जापान के लोग भी आते, पूरे एशिया के लोगों के लिए वो शिक्षा का केंद्र रहा है श्रवण संस्कृति के तहत। लेकिन उसको इसलिए नष्ट करवाया गया कि इस शिक्षा के केंद्र को नष्ट किया जाए। आज भी आप वहां जाएं तो उनके खंडर आपको याद दिलाएंगे हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी गंभीर थी, कितनी विकसित थी, और जिसमें पूरे एशिया के लोग आकर वहां शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो शिक्षा की जो उन्नति हुई है वो केवल श्रवण संस्कृति के तहत हुई है, उसी से भारत का विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ, और उसमें सामाजिक क्षेत्र में भी विकास हुआ, समानता के क्षेत्र में विकास हुआ, और यूनिवर्सिटियां जितनी भी बनी उस श्रवण संस्कृति की ही देन है। भारत में ब्राह्मण केवल गुरुकुल बनाते थे, उस गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही लोग पढ़ सकते थे और कोई लोग नहीं जा सकते थे, और हमारी जो यूनिवर्सिटियां होती थी उसमें पूरे एशिया के विश्व के लोग आके पढ़ते थे, और हर बड़े बड़े जो विषय थे उन पे बहुत गहन अध्ययन होता था। आज भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी जाएं तो कितना बड़ा इतिहास आप देख के आपका मन प्रसन्न होगा, कितनी बड़ी एक संस्कृति थी जो हमारा हिस्सा रही है, और उस संस्कृति को आज इतना दबा दिया गया था, उस संस्कृति को ही जिंदा करने का ये आज प्रयास है कि आप सब विद्वान हमारे समाज के यहाँ बैठे हैं, और समय समय पर वो कटके साहब हैं और काफी साथी हैं, डॉक्टर यूवी सिंह जी हैं, हमारे मित्र सुधीर राज जी हैं, तो उस संस्कृति के इतिहास को बता के दोबारा से हमें शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करके और उस मानसिक गुलामी से निकाल के, और हम आगे अपनी विद्वता को ज्ञान के आधार पर बढ़ा के दोबारा से स्थापित हों, समानता का जो राज स्थापित हो, विद्वता का राज स्थापित हो, और दोबारा से बड़ी बड़ी और यूनिवर्सिटियां हमें मिलके श्रवण संघ के लोगों को एक यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए कि हम सब मिलके एक अच्छी दोबारा से नालंदा की तरह यूनिवर्सिटी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए सब मिलके, कहीं जगह खरीद के जहां दोबारा से नालंदा को जिंदा किया जाए, ताकि हम अपने उस शिक्षा की रीति को दोबारा से जिंदा करें, उस विद्वता को एनकरेज करें, नई पीढ़ी की सोच को विकसित करें, मानवता के वादी विचारों का जिसमें विकास हो, जिसमें समानता की बात हो, जिसमें भाईचारे की बात हो, जिसमें संविधान के जो बाबा साहब ने नियम बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया है श्रवण संस्कृति का, सारा कॉन्सेप्ट है संविधान में, हम उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस बाबा साहब के संविधान को ठीक से एस्टेब्लिश कर सकें, वैचारिक रूप से एस्टेब्लिश कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पे चल के भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देती रहेंगी। तो हमारा जो साधुवाद साधुवाद डॉक्टर लाल सिंह है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है,
उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.